बिस्मिल्लाह। हमने कल डिस्कस किया था चाइना, और हमारा मैंने बताया था कि हमारा ये फेज पूरा हो गया। अब हम इस सारे को रैप अप करते हैं जो हमने टॉपिक्स किए, और हम का कनेक्शन देखते हैं कि सारे का कनेक्शन कनेक्टिविटी किस तरह होती है। काफ़ी चीज़ों से कनेक्शन बन सकते हैं, लेकिन हम इस एक मेजर चीज़ को देखेंगे जिसका नाम है सिल्क रोड। ठीक है, दरअसल सिल्क रोड से पहले ज़रा मैं एक बल्कि सिल्क रोड के साथ साथ ही मैं क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट अभी रहने देते हैं। हम सिल्क रोड को डिस्कस करेंगे और हाउ ट्रेडिंग जो है वो दुनिया को अफेक्ट करती है। बिकॉज हम देखते तो हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने देखा कि कॉन्करर अलेक्जेंडर जैसे क्या करते हैं, दुनिया को अफेक्ट कैसे करते हैं। हमने देखा रिलीजन कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम ट्रेड को देखेंगे, तो ट्रेड एक बड़ा ही मेजर रोल प्ले करती है, लेकिन हम उसको काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं कि ट्रेडिंग का कोई बड़ा रोल है हिस्ट्री में। तो सिल्क रोड के बारे में सबसे पहले तो ये कि सिल्क रोड की एक बात मैं क्लैरिफाई करूँ, सिल्क रोड ने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की थी। ट्रेडिंग पहले भी हो रही थी, लेकिन सिल्क रोड की होने की वजह से ट्रेडिंग एक्सपैंड हो गई थी, और एकदम ट्रेडिंग का स्कोप बहुत बढ़ गया था जो पहले उतना नहीं था। ट्रेडिंग तो बहुत सालों से हो रही है, वो किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे कि पहले ट्रेडिंग किस तरह होती थी, फॉर्म्स डिफरेंट थी, लेकिन ट्रेडिंग बहुत देर से हो रही थी। सिल्क रोड ने उसको काफ़ी हद तक एक्सपैंड किया था। एक्सक्यूज मी जरूर, पहले थोड़ा सा सिल्क रोड को ब्रीफली दोबारा बता दे। व्हाट वाज सिल्क रोड? अभी अभी मैं बताता हूँ, मैंने बताया ही नहीं है, अभी बताता हूँ सिल्क रोड के बारे में। तो मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी समझ आ जाए कि ट्रेडिंग स्टार्ट सिल्क रोड ने नहीं की। सिल्क रोड एक ट्रेड रूट को कहते हैं, लेकिन मैं उसको मैप पे दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। स्क्रीन शेयर होगी? लोगी ओके, ठीक है। दो पहले बातें, ये सिल्क रोड की बातें नहीं है, ये वैसे ओवरऑल जैसे कल हमने एडी और बीसी की बात की थी। जो यूरोप है ना और एशिया है, इसकी प्लेट एक ही है। इसकी जो वो प्लेट टेक्टोनिक्स नीचे जो जमीन की प्लेट्स होती है ना, वो एक ही प्लेट के ऊपर ये दोनों हैं। तो इसको बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यूरोप और एशिया को अलग कॉन्टिनेंट कहने के बजाय हम एक कॉन्टिनेंट मान लेते हैं, तो उसको समटाइम्स वो यूरेजिया कहते हैं, यूरेजिया। तो जब यूरेजिया हो तो बेसिकली यूरोप और एशिया की इकट्ठी बात हो रही होती है। तो ये एशिया है एंड ये यूरोप का एरिया, तो ये सारा कुछ यूरेजिया होता है। और अगर एफ्रो यूरेजिया हो तो इसका मतलब अफ्रीका, ये सारा इलाका और ये सारा इलाका मिला के इसको एफ्रो यूरेजिया कहते हैं। तो वो भी कहते हैं ये एक ही प्लेट में, तो इसको इकट्ठा हम एक ही कॉन्टिनेंट मान लेते हैं। मानते नहीं है, एशिया यूरोप अलग है, लेकिन इसको यूरेजिया भी कहा जाता है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि ये सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया कहाँ है? हमने बात इंडिया की, ये पाकिस्तान है, नीचे इंडिया है, चाइना है, राइट? ऊपर यहाँ चाइना है, यहाँ इंडिया है, और यहाँ पे नीचे पाकिस्तान है। अफगानिस्तान और ये ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान, ये सारा इलाका जो है इसको सेंट्रल एशिया का इलाका कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मैं अभी बताने लगा सिल्क रोड का रास्ता, तो ये उसमें रोल प्ले करता है, ये सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये दो बातें मैंने कब समझा दूँ कि ये सेंट्रल एशिया है, ठीक है, और ये यूरेशिया इसको सारे को कहते हैं। और एक और बात कि ये जो एरिया है विच इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक से हम आ जाए ना, तो ये वाला जो एरिया है ट्यूनिशिया का, लीबिया का, इजिप्ट का, और ऊपर ग्रीस आ जाता है, तुर्की आ जाता है। कल मैंने सवाल भी यही किया था कि तुर्की के वेस्ट में क्या है, तो ग्रीस है। तो ये वाला जो सारा इलाका है ना, इसको ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का इलाका कहते हैं, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी है सारा ब्लू कलर का, तो इसको ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कहते हैं। ठीक है, और ये वाला एरिया, तो इसमें ऊपर ग्रीस और रोम आ जाता है, और नीचे इसमें लीबिया, टूनिशिया, मोरक्को, इजिप्ट वगैरह आ जाता है। तो ये दो चीज़ें जहन में रखने, जब मैं अभी सिल्क रोड के बारे में बताता हूँ। अब सिल्क रोड क्या है? सिल्क रोड को नाम तो रोड दिया गया, बट सिल्क रोड इज नॉट एक्चुअली अ रोड, ये नंबर ऑफ ट्रेड रूट्स हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्रेड रूट्स हैं जो डिफरेंट तरह के ट्रेड रूट्स हैं, ओवर लैंड भी हैं और ओवर सी भी हैं, और ये दो तरह के रूट्स हैं। इसलिए लेकिन इसको इसलिए उन्होंने रोड का ही वर्ड यूज किया, ना कि सिल्क रूट्स का वर्ड यूज किया। तो ये काफी सारे ट्रेड रूट्स को कहते हैं, कोई एक सड़क नहीं है सिल्क रोड, ये मल्टीपल ट्रेड रूट्स हैं जो डिफरेंट पॉइंट से शुरू होते हैं और डिफरेंट पॉइंट पर खत्म होते हैं। और ये सी में भी इसके पॉइंट मतलब कनेक्शन रूट्स बने हुए हैं, और कुछ ट्रेड रूट जमीन के थ्रू भी हैं। अब इसके दो कनेक्शन है जो मेजरली है, वो दो कनेक्शन कौन से हैं? एक तो इसका कनेक्शन है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से, यहाँ से लेके इसका सेंट्रल एशिया तक, सेंट्रल एशिया ये वाला एरिया जो मैंने अभी बताया था, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान। तो एक तो इसका रूट यहाँ से कनेक्शन बनता है, ठीक है, मतलब यहाँ तक, वहां से शुरू होता है दिस एरिया, और फिर सेंट्रल एशिया से ये कनेक्शन आगे जाता है चाइना तक। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो ये यहाँ से शुरू होता है,
ये जो रेड डॉट है थ्रू दिस पॉइंट सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से चाइना तक जाता है। तो इन अदर वर्ड्स जो जो अभी तक हमने कवर किया, और यहाँ पे ये ग्रीस तक भी आ जाता है, ग्रीस और रोम की तरफ एरिया भी। तो इन अदर वर्ड्स अभी तक हमने जो कवर किया वो सारा कुछ सिल्क रोड से कनेक्ट होता है। और सिल्क रोड के ट्रेड रूट में दिखा दूँ तो वो कुछ इस तरह की शक्ल नहीं। इसमें आप नोटिस करें तो ये यूरोप से शुरू हो रहे हैं और ये सी में ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, रेड जो रूट्स हैं ये ओवर लैंड हैं, और ये यूरोप से चाइना तक ये पूरा आपका है। इसमें अफ्रीका के एरियाज हैं, अरब अरेबिया का एरिया है, पर्शिया का, इंडिया का सारा, और नीचे ये इंडोनेशिया और सॉरी ये जावा और ये वाले इलाके भी हैं, और उधर इवेंचुअली जापान का भी इलाका है। तो ये सारा इसमें कवर हो जाता है। या इधर से देख लें तो इसमें थोड़ा सा अच्छा नजर आ जाता है कि ये ग्रीस है और ये तुर्की है और ये इटली है, और ऊपर रोम आ जाता है, और ये सारे इसके रूट हैं। तो दीज आर द सिल्क रूट के ये ट्रेड रूट हैं। तो सिल्क रूट इन अदर वर्ड मल्टीपल ट्रेड रूट को कहा जाता है जिनके थ्रू ट्रेडिंग होती थी, और इसको सिल्क रोड नाम दिया गया इन रूट्स को जो ओवर लैंड है और ओवर सी है। ये सिल्क अब रोड वही है जो जो एलेक्जेंडर ने बनाई थी। टेक्निकली तो अलेक्जेंडर ने नहीं बनाई थी, मतलब अलेक्जेंडर ने कनेक्शन जो खोला था रास्तों का थ्रू हिज कॉन्क्वेस्ट, उनके थ्रू वेंचुअली सिल्क रोड एस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन सारे रास्ते अलेक्जेंडर ने ट्रेवर्स नहीं किए थे। तो कुछ इलाके ऐसे भी थे जो अलग अलग रास्ते बन गए, लेकिन नॉट ऑल द एरियाज उसने तो नहीं इनको क्रॉस किया था, लेकिन बहुत सारी कनेक्टिविटी जो यहाँ की है सिल्क रोड की वो अलेक्जेंडर के कॉन्क्वेस्ट है, जो ये ओवर लैंड वाला इलाका है ना, क्योंकि वो ग्रीस से निकला आपकी था ना, आवाज यहाँ से बहुत निकला था कट इस रही है, पॉइंट। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज मेरी? हल्की सी डिस्टॉर्शन मेरी साइड पे आ रही है, आवाज तो है लेकिन साथ हल्का सा शोर आता है अभी। आप मुझे नहीं पता बाकियों को कितनी आ रही है। आवाज क्लियर है आपकी? ठीक है, तो थोड़ी सी हो रही होगी डिस्टॉर्शन तो इशू। लेकिन तो यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्रीस से निकला था ना, तो ग्रीस से वो इंडिया तक तो एटलीस्ट जेलम तक तो गया था, तो ये हमें यहाँ तक तो रूट तो उसने खोल दिया अनइंटेंशनली ऑब्वियसली। तो अब सिल्क रोड के बारे में जरा बात ये कर लेते हैं कि सिल्क रोड पे हो क्या रहा था, ट्रेडिंग क्या चीजों की हो रही थी। ठीक है, क्योंकि सिल्क रोड इसको कहा जाता है तो इस पर ऑब्वियसली सिल्क ट्रेड होता था। सिल्क जो है ना वो फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स चाइना में सिल्क बन रहा था, इसलिए कल हमने चाइनीज हिस्ट्री पढ़ी थी और चाइना का पॉइंट बड़ा ही जरूरी था कि चाइना में सिल्क बनता था। ठीक है, और चाइना में सिल्क कैसे बनता था, ये मलबेरी ट्रीज होते हैं ठीक है, जिन पे इस तरह के फ्रूट्स उगते हैं। ठीक है, इनको मलबेरी होती है और ये बेरीज हैं और ये इस ट्री पे उगती हैं। इन ट्रीज को खाने वाले इन ये जो यू नो मलबेरीज हैं, इनको खाने के लिए ये ना जो वर्म्स होते हैं ना, ये व्हाइट कलर के वर्म्स हैं, ये खाते हैं ये बेरीज को। ठीक है, और इनको सिल्क वर्म भी कहा जाता है, इनको मलबेरी ट्री ईटिंग वर्म्स भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, ये अपने ककून से ना सिल्क बनाते हैं। अगर यहाँ पे फोटो नजर आए तो ये सिल्क वीव करते हैं, तो बड़ी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने इनको एबिलिटी दी है कि दे वीव सिल्क, और ये उसके अपने ककून से सिल्क बनाते हैं। और वो सिल्क जो है ये जब स्पन कर लेते हैं तो उसको फिर बाद में प्रोसेस किया जाता है, और उसको प्रोसेस करके सिल्क को आगे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये चाइनीज जो थे ना, इनमें ये इनके मलबेरी ट्रीज थे, वहां पे सिल्क वॉर्म्स जो है ये वहां पे सिल्क बना रहे थे। तो चाइना ने ये है कि इसके थ्रू ट्रेडिंग शुरू की, और चाइना को उसने ये एक्सपोज नहीं किया आज तक सीक्रेट कि वो इन वॉर्म्स को जो है रेज कैसे करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ये डोमेस्टिकेट करने पड़ने थे। तो एक तो ये भी नहीं उसने कभी बताया, और ना ये बताया कि वो इनको प्रोसेस सिल्क को कैसे करता है, वंस ये वीव हो जाते हैं उसके कोकून के थ्रू सिल्क वीव हो जाता है, तो इसको प्रोसेस कैसे करता है। तो ये काफी, क्योंकि चाइना का सारी ट्रेड जो थी वो सिल्क पे डिपेंडेंट थी, तो अगर वो ये बता देता तो उसकी ट्रेड ठप हो जानी थी, इसलिए उसने इसको ये क्लोजली गार्डेड सीक्रेट था चाइना का कि वो सिल्क कैसे वीव करते हैं। और चाइनीज जो है वो सिल्क को ट्रेड करते थे, और वो सिल्क जो है पर वो सिल्क का खुद भी बहुत यूज करते थे, वो सिल्क को फिशिंग लाइन में यूज करते थे। फिशिंग लाइन मतलब नेट्स जो होते हैं ना फिशिंग के लिए, वो उसमें यूज करते थे सिल्क को। और ये है कि जो मैंने कहा था कि जैसे मंगोल उस तरह के रेडर्स थे जो बाहर रहते थे, जो हमला करते थे, उनसे भी ना मतलब मुआयदा करने के लिए या उनको हटाना हमला रोकने के लिए उनसे भी सिल्क ये उनको दे दिया करते थे ताकि वो अटैक ना करें। और इन्हें इतने इनोवेटिव थे चाइनीज के, इन्होंने पेपर नहीं बना था इनसे जब पहले, तो ये सिल्क को पेपर के तौर पर यूज करते थे, सिल्क पे लिखा करते थे बिफोर द इन्वेंटेड पेपर। ठीक है, वो पेपर की इन्वेंशन हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये सिल्क को यूज करते थे। ठीक है, अब इसमें यह है, अब लेकिन सिल्क वॉज नॉट दी ओनली थिंग जो एक्सपोर्ट हो रही है सिल्क रोड पे, डिफरेंट जगहों से डिफरेंट चीजें एक्सपोर्ट हो रही थी। अगर आप देखें तो जो चाइना चाइना में से ऑलिव ऑयल वगैरह को भी एक्सपोर्ट कर रहा था,
इंडिया जो है वहाँ कॉटन टेक्सटाइल्स वहाँ से आ रही थी, ठीक है। अगर इसको, हाँ, तो ये सिल्क रूट के ट्रेड रूट हैं, वो तो मैंने पहले भी दिखाया, ये इस पे भी नजर आ जाएंगे रेड लाइन के जरिए। तो जो अफ्रीकन थे वो जो हाथी के जो टीथ होते हैं, आइवरीज होती हैं, वो ये ट्रेड करते थे, ठीक है। और अरेबियंस का भी यहाँ पे काम आ रहा है, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अरेबियंस जो थे ना वो यहाँ पे ट्रेड करते थे, स्पाइसेस ट्रेड करते थे, इंसेंस ट्रेड करते थे। इंसेंस कोई भी ऐसा पाउडर, परफ्यूम, ऐसा केमिकल और वट एवर, ऐसा स्पाइस जिसको जलाएं तो उससे अच्छी खुशबू आए, उसको इंसेंस कहते हैं। तो इंसेंस ट्रेड करते थे और टॉर्टाइस शेल ट्रेड करते थे जो अरेबियंस थे। तो ऑब्वियसली वो अभी तक हमने कहा था कि जियोग्राफिकली आइसोलेटेड थे अरेबियंस और उनको बाहर से इंफ्लुएंस नहीं हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा मेजर इवेंट हुआ हिस्ट्री का, जो हमने हमने सीरा में बाद में नजर भी आएगा, कि जो अरब थे वो जब बाहर गए एंड इन्होंने बाहर जाके उनका जो एक कुरैश से पहले जो कबीला था ना अरेबिया में, उसका कबीले का नाम था खुजई कबीला, उसका जो चीफ था अमर बिन लोहाई था, वो ट्रेड करने ही गया था सीरिया में। सीरिया क्योंकि उनका मेजर जो ट्रेड थी, ये ट्रेडिंग पॉइंट, ये सीरिया यहाँ पे आ जाता है ना, तो यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट मेजर, ये ट्रेडिंग एरिया था यहाँ पे, और ये सिल्क रोड की ट्रेडिंग यहाँ से होती थी। तो वो सीरिया गया था अपना ये सामान लेके ना ट्रेड करने, और वहां पे उसने पहली दफा बुत देखा था, हुब्बल का बुत जो था, जो वो खरीद के ले आया था काबा में, और वो लाके उसने काबा में रख दिया था। तो पहला बुत आया और वो अमर इब्ने जो अमर बिन लोहाई था वो लेके आया था, खुदाई कबीले का जो सरदार था, और वो सीरिया से लेके आया बिकॉज ही वॉज ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि सिल्क रोड खुली थी। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग हम बात देखते हैं कि अगर हम इसकी कनेक्शन जरा बनाने की कोशिश करें कि मे बी अगर सिल्क रोड होती ना, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, अगर सिल्क रोड होती ना तो देन मे बी अरब जो होते हैं वो कभी यू नो ट्रेड ही ना करते, और कभी ट्रेड ना करते तो अमर इब्ने लोहाई कभी इन्फ्लुएंस ही ना होता, वो कभी बुत ही ना लेके आता काबा के। तो इस तरह हम सिल्क रोड को, तो हम सिल्क रोड को ब्लेम करेंगे कि आइडल मक्का में इसलिए आया था क्योंकि बिकॉज सिल्क रोड की ट्रेडिंग हो रही थी। लेकिन इसको इस एंगल से भी देखें कि सिल्क रोड कभी एग्जिस्ट ना करती, अगर चाइना सिल्क प्रोड्यूस ना करता और उसके जो वर्म्स हैं वो ककून, अपने ककून से सिल्क ना बनाते, लेकिन चाइना अपनी आइसोलेशन में रहता, अगर अलेक्जेंडर कभी अपनी कॉन्क्वेस्ट पे ना निकलता और रास्ते ना खोलता, और अगर अलेक्जेंडर रास्ते कभी अपनी कॉन्क्वेस्ट शुरू ना करता, अगर ग्रीक जो है वो लड़ लड़के अपने आप को वीकन ना कर देते, और ग्रीक्स अपने को वीकन तब तक ना करते जब तक परिजन उन पर हमला ना करते। अगर हम इस कनेक्शन को देखें तो हमारे पहले लेक्चर में हमने साइरस की बात की थी, तो मे बी साइरस ने स्टार्ट किया सब कुछ और उसके बाद ये हुआ, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो ये पर्सपेक्टिव देने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज चेंज और कनेक्टेड, और ये चेन रिएक्शन जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, ये उस तरह का रिएक्शन है। साइरस को नहीं ब्लेम करेंगे ऑब्वियसली कि उसकी वजह से बुत आया था या सिल्क रोड की वजह से आया था, लेकिन ये पॉइंट है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, तो हु डू यू इन द एंड आप ब्लेम किसको करेंगे। तो इसमें हमारे लिए एक लेसन भी है हिस्ट्री में, कि हम हिस्ट्री में चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट आंसर्स मिल जाए, हम जवाब दे सकें कि ना यू नो क्यों काबा के अंदर बुत आके खड़े कर दिए थे इन्होंने, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हिस्ट्री हमें आंसर्स नहीं देती। मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री हमें कॉन्टेक्स्ट देती है, जो मैंने अभी आपको दिया कि सिल्क रोड थी और सिल्क रोड इसलिए थी वो चाइनीज, और यू नो मैंने कनेक्शन बना दिया, कॉन्टेक्स्ट है, ये आंसर नहीं है। आंसर हमारा ओपिनियन होगा जो भी देना चाहेंगे। तो हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम डजंट गिव यू आंसर, हिस्ट्री आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है इवेंट का, जैसे अभी हमने किया, इसलिए आप किसी चीज को ओपिनियन देके कह सकते हैं कि ओके इस चीज का कसूर है, ये चीज हो रही है। अब इससे आगे हम चलते हैं कि जो सिल्क, अब हमने उसमें बात कर ली कि सिल्क रोड पे क्या क्या ट्रेडिंग हो रही थी, इसमें अब अगली बात यह है कि जो नोमैड्स है ना, जो कबीले रहते थे थ्रू आउट यू नो सेंट्रल एशिया और यू नो सारा यूरेशिया का जितना एरिया, उसमें काफी सारे कबीले इस सारे एरिया में रहते थे, और ये लोग कबीले थे, मूव करते थे। अब जो जो ये कबीलों की शक्ल में लोग रहते हैं, नोमैड्स होते हैं, ये हर्डर्स होते हैं ना, ये अपने जानवर साथ लेके फिरते हैं, ये अपने कैंप साथ लेके फिरते हैं, और ये मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो और ये एक जगह टेंट लगाते हैं, एक मौसम के लिए रहते हैं, फिर मूव करते हैं। तो एक तो ये मूव करते हैं, ज्यादा सामान कैरी करके मूव करते हैं, और इसके बाद ये होता है क्योंकि ये इतने एक्टिव होते हैं तो एक तो पावरफुल होते हैं, और दूसरा ये कि डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, ये बीमार कम होते हैं क्योंकि ट्रैवल डिफरेंट मौसमों में डिफरेंट जगहों पे करते हैं, इसलिए जल्दी बीमार नहीं होते। तो ये आइडियल लोग थे जो ट्रेडिंग कर सकते थे, जो नोमैड थे वो आइडियल लोग थे, वो ट्रेडिंग कर सकते थे, जबकि हिस्ट्री में थ्रू आउट अभी तक वो साइड लाइन ही हमने देखा, हर्डर्स हैं। इवन दो हर्डर्स जो हैं या नोमैड्स हैं, वो बड़ा ही मेजर रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स डाउन टू एम्पायर बिल्डिंग। जैसे साइरस भी था, वो भी नोमैड था, मुसलमानों के बहुत सारे जब ये खिलाफत बनी है, उस्मानियों की खिलाफत, ओटोमन एम्पायर, वो भी नोमैड ही थे। तो काफी हमें नोमैड्स, तुर्क भी काफी सारे नोमैड्स थे, मंगोल नोमैड्स थे,
तो हमें नोमैड कहा था कि वो एम्पायर बनाने में उनकी खासियत है, लेकिन इसके साथ साथ अब उनका हिस्ट्री में एक बड़ा मेजर रोल आ गया था एज ट्रेडर, क्योंकि वो आइडियल ट्रेडर थे, बिकॉज दे यूज टू ट्रेवल, और उनसे बेहतरीन कौन हो सकता है जो सामान कैरी करके चीजें ट्रेवल करे, इसके ऊपर सिल्क रोड के ऊपर ट्रेवल करे। ये बात ध्यान में रखें कि सिल्क नोबडी कोई ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जो पूरी सिल्क रोड क्रॉस करे, नॉर्मली सामान ज्यादा ट्रेवल करता था सिल्क रोड के थ्रू, नॉट द पीपल, बिकॉज वो ट्रेडर जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान पहुंचा देते थे, वहां से प्रॉफिट लेते थे, वापस चले जाते थे, और फिर ये आगे चीजें मूव होती रहती थी। तो इस तरह ये है कि लोग नहीं मूव करते थे, रादर के ज्यादा मटीरियल जो है वो ज्यादा मूव करता था। अब इसमें ये है कि जो नोमेड्स थे उन्होंने यहाँ पे शहर भी रास्ते में फिर आबाद करना शुरू कर दिए, बहुत सारे शहरों के नाम है, नॉट पर्टिकुलरली हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे उन्होंने जाते जाते जो नोमैड थे उन्होंने शहर आबाद किए थ्रू देयर जर्नीज, बिकॉज क्या वो एकदम इस जीवन का मेजर पार्ट वो प्ले करने लगते। अब यहाँ पे एक अगली हम बात करते हैं, अब थोड़ा हमने ये हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल, रोमन्स हमने इंशाल्लाह अगले हफ्ते पढ़ना है, लेकिन रोमन सेनेट का मैं जिक्र करूँ कि मैं जरा उनकी हया के बारे में बताने लगा हूँ, कि जो रोमन्स थे ना उन्होंने सिल्क को बैन करने की कोशिश की, क्योंकि सिल्क बहुत पॉपुलर हो गया था, तो उन्होंने सिल्क को बैन करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिल्क जो है ना ये ट्रेड इम्बैलेंस करता है, ये हमारी क्या कि हम ज्यादा सामान देते हैं, बदले में थोड़ा सिल्क मिलता है, तो ये उनका मसला था सिल्क से। दूसरा उनका सिल्क से इश्यू ये था कि सिल्क को इसलिए ही बैन करना है क्योंकि वो कहते थे जो रोमन के जो बड़ा उनका सेनेट के और एलीट क्लास थी, वो कहती थी कि ये बेहयाई फैला रही है, सिल्क जो है वो बेहयाई फैलाती है, क्योंकि सिल्क पहनने वाली जो औरतें और मर्द हैं उनकी बॉडी एक्सपोज हो जाती है और हया नहीं रहती। तो रोमन सेनेट ने कोई कोई पूरी जतन लगा लिए थे दूसरा महाओ बैन द सिल्क, बिकॉज वो कहते थे कि ये बेहयाई फैला रही है, और ये जो हस्बैंड वाइफ हैं ये अब मतलब एक हस्बैंड अगर अपने बेगम को सिल्क पहना दे तो वो उसको एक्सपोज करा है माचे के सामने, और ये तो ऐसे ही ऐसे नंगा छोड़ दिया, तो वो इतने तक चले गए थे और वो उसको बैन करने पे तुल गए थे। लेकिन इवन तो यहाँ पे हम एक ऐसे रिलेशनशिप को हिस्ट्री में देखते हैं बिटवीन द पावरफुल बिटवीन दोज जिनके पास वेल्थ होती है, जो गवर्नमेंट बनाते हैं या पॉलिटिक्स चलाते हैं, कि जो वेल्थी है ना वो दे प्रिवेंटेड के सिल्क बैन, और इवन दो सेनेट चाहता था रोमन का कि वो बेहयाई फैला रहा है सिल्क तो वो रोके इसको, कपड़े इस तरह, क्योंकि और सिल्क का एक और खास है वो गर्मी में गर्म रहता है सर्दियों में ठंडा रहता है, और जब तक हमारे पास मॉडर्न जीन्स और ये कपड़े नहीं आए तो सिल्क वॉज द बेस्ट क्लोथिंग, ठीक है, तो वो उनको थोड़ा इतराज था, उन्होंने इसको किया। लेकिन इवन दो सिल्क वेल्थ की इतनी इन्फ्लुएंस थी गवर्नमेंट पे होने लग पड़ी थी कि सिल्क डिडंट गेट बैंड, ठीक है। अब इसमें एक और हमें एक और पॉइंट को भी देखते हैं, जो मर्चेंट क्लास थी ना, क्या होता था पहले जो थे ना लोग, अमीर जो था ना वो बादशाह होता, बादशाह था उसके राया, उसकी राया जो थी वो उसके ऑब्वियसली फॉलोअर्स थे, तो जो अमीर होते थे वो क्या करते थे, वो टेम्पल्स बनाते थे, जैसे हमने वो पार्थेनॉन देखा था ग्रीक का, ठीक है, वो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनाते थे, वो बड़ी बड़ी सड़कें बना देते थे बड़ी हद तक, बट दे डिडेंट हैव एनी मीन्स ऑफ यूजिंग देयर मनी। तो आपने बहुत देखा होगा कि वो ऐसी बिल्डिंग में उन्होंने वेस्ट किया टाइम, जो बंदा देख के कहता है कि क्यों बनाई बिल्डिंग। तो अब क्या हुआ कि एकदम से एकदम ये पावर शिफ्ट की आई कि अब सिर्फ रूलर्स, और अब एक तो जो अमीर थे वो पैसे लगा सकते थे ट्रेडिंग पे सिल्क रोड के जरिए, वो ट्रेडिंग करते पैसे कमाते पैसे अपने यूज कर सकते थे, एक तो उनको पैसे यूज करने का तरीका मिल गया टेम्पल्स बनाने की बजाय, पैसे इस्तेमाल करने का एक और ऑप्शन मिल गया, और अब एक नई क्लास इमर्ज होगी। पहले तो ऑब्वियसली मैं बताया कि रूलर और रूल्ड की थी ना, जो राया थी और बादशाह था उसकी, ये टोटल लोग होते थे ना, तो जो राजा थी वो कमजोर है वीक है, एंड द पावरफुल जो है वो बादशाह है जो रूलर है जो रूल कर रहा है उस लैंड के ऊपर, लेकिन और उसके पास पैसे ज्यादा, और जो उसके फॉलोअर्स हैं उसके पास उसके अकॉर्डिंगली कम कम उनके पास पैसे होंगे। लेकिन अब मर्चेंट क्लास के ट्रेडर्स आ गए दरमियान, वो लोग जो ट्रेडिंग करते थे और वो बहुत अमीर हो गए, अब ये बादशाह नहीं थे और ना ये आम वर्कर थे, ये मर्चेंट थे और इनके पास पैसे थे, तो अब एक एक डिवीजन आने लग पड़ी, कि पहले हमेशा गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स कौन चला रहे थे, रूलर जिनके पास पैसे थे, और अब एकदम से जो वेल्थ वेल्दी लोग हैं वो सिर्फ रूलर्स नहीं रहे, मर्चेंट क्लास भी वेल्दी हो गई। इस वजह से ये हुआ कि मर्चेंट्स ने भी इन्फ्लुएंस करने लग पड़े, और वेल्थ और पॉलिटिक्स जो है वो अलग हो गए, और उनके दरमियान एक टेंशन बन गई जो आज तक हम देखते हैं, कि जो वेल्दी हैं वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट दे आर नॉट ऑलवेज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट या पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, लेकिन वो पैसे वाले हैं तो वो गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करें, लेकिन उनका होना जरूरी नहीं होता। तो इसका ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो सिल्क रोड से हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है, जब मर्चेंट क्लास राइज हुई जिनके सब पैसे थे, एंड दे कैन स्टैंड अप उन्हीं रूलर्स के सामने खड़े हो सकते थे उतने पैसों के साथ, और वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे। तो वेल्थ और पॉलिटिक्स में एक डिवीजन आ गया जो पहले थ्रू आउट हिस्ट्री हमें कम नजर आता है, वो अब एक डिवीजन आ गया, और अब इन्फ्लुएंस, अब इनके दरमियान एक टेंशन थी,
विच इवन एग्जिस्ट टुडे। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर हम आगे चलते। नहीं आई गेस क्लियर हो गया। उसके रूट और उसका इफेक्ट ये हुआ कि ट्रेड ने कैसे दुनिया को यूनाइट भी किया और उसके नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किलात भी समझ में आई है, और किस तरह इन ट्राइब्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बिल्डअप किया और स्ट्रॉन्ग किया। मेरा ख्याल है यही पॉइंट थे आज के, जो सिल्क रोड का इम्पैक्ट क्या था हमारी हिस्ट्री पे। बिल्कुल, हम पे मेरे भी, हमने तो क्वेश्चन, वही। सिल्क सिल्क रोड जो है वो डिस्कवर किसने किया था? रोड किसी ने डिस्कवर नहीं किया था, बिकॉज मैं बताया ना, एक सिंगल रूट रोड नहीं है, इट्स मल्टीपल ट्रेड रूट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे थे थ्रू आउट एजेस, जो यूज हो रहे थे, लेकिन अब एकदम से यू नो प्रॉपर सिल्क चाइना से निकल के हुआ है ना, ट्रेडिंग शुरू हुई है उसकी, तो उससे ये है कि एक प्रॉपर इसको सिल्क रोड नाम दे दिया गया, और ये प्रॉपर ट्रेड रूट जो थे ये सारे एकदम से खुल गए, तो इसलिए ऐसी कोई इसको फाइंड इसने डिस्कवर नहीं किया। कनेक्शन तो थे इसके थ्रू, तो ट्रेडिंग होती थी, लेकिन अब एक वाइडर स्केल पे होने लग पड़ी और कनेक्शन बन गए, तो उसमें बहुत सारे कॉन्करर्स का भी काम आता है, अलेक्जेंडर का, जिसे हमने बताया, और भी थे, अलेक्जेंडर वॉज नॉट दी ओनली वन जिसने ऐसे रास्तों पर काम किया जिसकी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिली, और ट्रेडर्स भी निकले, जैसे मैंने अरब की बात की, वो निकले बाहर एंड हाउ दे वर इन्फ्लुएंस्ड, और उन्होंने फिर बहुत वाली जो ठीक है, यहाँ तक आगे चलूंगा। जरूर ना जी, ये जो अरब्स थे उन्होंने इसी की वजह से फिर ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ट्रेडिंग सिल्क ये रोड कर के रहे हैं तो मैंने जरिए। बताया ना कि स्मॉल स्केल ट्रेडिंग तो पूरी दुनिया में हो रही थी, लेकिन इतनी लार्ज स्केल पे सिल्क रोड की वजह से खुली थी, तो अकॉर्डिंग टू देन ये वही दौर है जब वो खुदाई के पीले का सरदार लेके आया है, बुत लेके आया, तो ये वही दौर है, सिल्क रोड तब ओपन हो चुकी थी, क्योंकि हजरत ईसा से पहले ये सिल्क रोड चल रही, तो ये तब का दौर चल रहा था, तो ये उसमें इन्होंने करना शुरू कर दिया था, और उसके थ्रू ही मैंने कहा कि अरब ने ट्रेडिंग पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब बड़े लार्ज स्केल पर कर रहे थे, क्योंकि अब बहुत हर तरफ से चीजें आ रही है ना, अब इंडिया से भी सामान आ रहा है, चाइना से भी सामान आ रहा है, अरब भी अपना शेयर दे रहे हैं उसमें, इधर से ग्रीक्स भी दे रहे हैं, उधर से रोमन्स भी दे रहे हैं, तो ये अब हर तरफ से कनेक्शंस मिल रहे थे, इवन जापान से चीजें, जापान से सामान जा रहा था, तो अगर हम देखें सिल्क रोड की पूरी लेंथ तो वो रोम से शुरू होती है फ्रॉम दिस पॉइंट, और वो जापान तक जाती है, जो इधर मैप पर भी नजर नहीं आ रहा, बट वो जापान तक जाती है, तो बड़ा ही लंबा उसका अगर कनेक्शन अगर हम देखें, बेसिकली वो यहाँ से शुरू हो गई फ्रॉम रफली दिस पॉइंट, और यहाँ से लेके इट विल गो टू दिस पॉइंट, तो इतना लंबा रूट खुल गया था दुनिया का उस दौर में, जापान तो थ्रू सी ही जा सकते थे, और नीचे भी सदरन साइड पे भी खुल गया था, तो एकदम से बिल्कुल मैप ही दुनिया का समझ से चेंज हो गया उस हिसाब से। ऑलराइट, अब अगला हमारा जो हमने आज दो तीन सवाल किए हैं, अगर हम अगला सवाल ये है कि जो सोचने का सवाल है कि सिल्क रोड ने क्या रिच लोगों को इफेक्ट किया था, या सिल्क रोड के बड़े इम्पैक्ट थे, मतलब हमने नोमैड की तो बात की कि उन्होंने उस पर इफेक्ट किया, दे वर नॉट पर्टिकुलरली रिच, लेकिन वैसे जो अभी तक हम मर्चेंट्स को देख रहे हैं, हम कह रहे हैं ना उनको अफेक्ट किया और रूलर्स को अफेक्ट किया और गवर्नमेंट सिस्टम्स को, लेकिन क्या सिल्क रोड का एक आम बंदे पे, हमारे ऐसे लोगों पर इफेक्ट था? तो इसका जवाब है बेसिकली यस, वी हैव एन आंसर कि इसका इफेक्ट था, और हम उसको 3 पॉइंट से मैं बताता हूँ कि किस तरह। एक तो सिल्क रोड का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, बिफोर द सिल्क रोड लोग नॉर्मली पैसे कमाते तो थे, लेकिन जॉब्स भी करते थे, स्मॉल स्केल जॉब्स करते थे, लेकिन अब ये था कि मोस्टली आपका पर्पस जो था वो वॉर और कॉन्क्वेस्ट थी, आपके कोई पर्टिकुलरली जॉब या एम्प्लॉयमेंट सिस्टम नहीं था, ये नहीं था कि आप कोई नौकरी कर सकते थे, आपने फौजी होते थे, जंग लगे, लूटिंग करते थे, पैसे उससे आ जाते थे, आपका घर चलता था, आपको आपको पे मिलती थी एज अ फौजी, दैट वॉज अ सिस्टम, लेकिन अब क्या हुआ, सिल्क रोड ने अपॉर्चुनिटी दी, नाउ यू हैड सिल्क जिसके लिए प्रोसेसिंग करने के लिए लोग चाहिए थे, तो सिल्क के लिए फैक्ट्रीज खुली और उसकी वीविंग के लिए, और उसकी वीविंग के लिए फैक्ट्रीज खुली तो उस फैक्ट्रीज में जाके लोगों ने काम शुरू किया, एंड व्हेन दीज पीपल वर्क तो उनको जॉब मिली, तो एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हुआ कि एक आम बंदा पैसे कमा सकता था और एक सादा सी जिंदगी गुजार सकता था विद अ जॉब, एम्प्लॉयमेंट उसको मिली और वो जॉब कर सकता था और एक सेफ जिंदगी गुजार सकता था अवे फ्रॉम वॉर, और वो पैसे कमा रहा था, और वो एक उसके लिए एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आम लोगों पर, एक तो ये हो सिल्क का ना, उसके बाद ये है कि खाली सिल्क नहीं बाकी कमोडिटीज भी, जैसे शेल्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली टॉर्टाइज शेल अगर आ रहा है अरेबिया से आ रहा है या इंसेंस आ रहा है, तो उसको भी तो किसी स्ट्रक्चराइज करना है ना, इसके ऊपर कोई अगर डिजाइन बनाना है शेल के ऊपर तो वो भी किसी बंदे ने बनाना है, तो ऐसे काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुली, तो
एक तो ये हो गया। फिर हम एक और एंगल से देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसे बाकी लोगों पे भी हो रहा था सिल्क रोड का, कि सिल्क रोड जो है ना, इसमें जो हम नॉर्मली ट्रेडिंग को देखते हैं कि ट्रेडिंग बस मटेरियल्स की होती है, यू नो वी ट्रेड मटेरियल्स, और हमारे पास जो चीजें हैं वो हम ट्रेड करते हैं। मैं एक मिनट ना, अगर अभी मीटिंग खत्म होगी तो फिर आप में से कोई भी ना लिंक शेयर कर दे, आप शिफा आप कर देना या कोई और कर दे जिसने भी करना मैं कर है दूँ? लिंक, अगर मीटिंग खत्म होती है। हाँ आप शेयर कर दे, तो क्योंकि मेरा मुझे वो टाइम आउट हो जाएगा तो मेरा नहीं होगा मीटिंग, अभी शेयर होगी 10 मिनट के लिए तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो मैंने कहा इनकेस अगर खत्म हो जाए मिड लेक्चर। अब बात हम कर रहे थे कि हम देखते हैं कि ट्रेडिंग सामान की होती है ना ट्रेड रूट के जरिए सिल्क रोड पे, लेकिन एक बड़ा पॉइंट हम जो भूल जाते हैं, सिर्फ यू नो कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स ट्रेड नहीं होती रास्तों से, बल्कि आइडियाज भी ट्रेड होते हैं। लोग इन्फ्लुएंस कर पाते हैं एक दूसरे को। पहले वही बात है, जंगों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, जब एक कब्जा करती है कौम दूसरे को तो उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी अटैक्स और इनके जरिए, लेकिन अब इन्फ्लुएंस का तरीका बड़ा आसान था। यू जस्ट हैड टू गो थ्रू दीज ट्रेड रूट्स, और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपके आइडियाज स्प्रेड कर रहे थे, चाइना से आइडियाज जा रहे थे इंडिया, और इंडिया के आइडियाज दूसरी जगहों पे जा रहे थे, चाइनीज आइडियाज यू नो इधर तक पहुंच गए थे, ईरान इराक एंड सो ऑन, सेम गोज फॉर इंडियन आइडियाज, और उधर ग्रीक्स के आइडियाज जो थे ये थ्रू आउट द वर्ल्ड मूव कर रहे थे। इसमें जो हम बड़ी एग्जाम्पल देखेंगे वो बुद्धिज्म की है। लास्ट टाइम जब हमने बुद्धिज्म की बात की थी तो बुद्धिज्म जो था वो इंडिया में मैंने बताया था डिक्लाइन में चला गया था, और उसको इंडिया आखिरकार हिंदुइज्म ने इंगल्फ कर लिया था, लेकिन बुद्धिज्म मरा तो नहीं, बुद्धिज्म बाद में कोरिया चाइना में और जापान में और सेंट्रल एशिया में फैला, तो उसकी वजह सबसे बड़ी सिल्क रोड थी। ठीक है, क्योंकि सिल्क रोड के जरिए रास्ते जो खुले उनके जरिए बुद्धिज्म जो है वो फैलना शुरू हुआ, और वो आउटसाइड इंडिया जो सिल्क रोड के जो बुद्धिज्म है वो फैला आउटसाइड इंडिया। इसमें ये बात है कि जो ये बुद्धिज्म का जो वर्जन फैला वो खाली बुद्धिज्म नहीं, उसको कहते हैं इसको महायाना बुद्धिज्म कहते हैं। महायाना बुद्धिज्म में और आम बुद्धिज्म में थोड़ा सा फर्क है। आम बुद्धिज्म वाला जो असल बुद्धिज्म जो सिद्धार्थ गौतम ने डिजाइन किया था, असल बुद्धा जो था उसने जो बनाया था, वो तो मैंने बताया था चेंज काफी, इंडिया ने तो उसको अवतार कहकर खराब कर दिया ना, खुदा का अवतार है। महायाना बुद्धिज्म ने भी थोड़ा इसी तरह का काम दिखाया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बुद्धा को डिवाइन बना दिया, कि बुद्धा इज सम काइंड ऑफ गॉड, और बुद्धा के जो डिसाइपल्स हैं वो बड़े ही खास लोग हैं जो उसके स्टूडेंट्स हैं, और बुद्धा जो है ना वो कुछ कुछ स्पिरिचुअल बीइंग है, और जो निर्वाणा है रादर जो कॉन्सेप्ट था निर्वाणा का कि वो सफरिंग से आजादी है दुनिया में, उसको जन्नत के कॉन्सेप्ट देने लगते हैं, कि निर्वाणा जो है हेवन का कॉन्सेप्ट है। एंड यू नो एज लॉन्ग एज जब आप बुद्धा की पूजा करेंगे, क्योंकि बुद्धा तो ये कह ही नहीं रहा था, बुद्धा तो कह रहा था अपनी डिजायर छोड़ो, लेकिन अब उन्होंने ये महायाना बुद्धिज्म ने इंट्रोड्यूस किया कि आप जब तक बुद्धा की पूजा करेंगे देन यू कैन यू नो अचीव निर्वाणा, और निर्वाणा बेसिकली उन्होंने हेवन को कॉन्सेप्ट दे दिया, निर्वाणा का कॉन्सेप्ट हेवन से लिंक कर दिया। तो एक तो ये महायाना बुद्धिज्म का ये हुआ इम्पैक्ट, और ये हम बुद्धिज्म के एंगल से देखते हैं ना। और सेकेंडली इसमें ये भी बात है कि जो इन इन हाँ इसमें ये भी बात है कि हम इसको इतना देख लेते हैं कि जो जब लोग ट्रेवल करते थे ना रोड के जरिए, तो हम ये देखेंगे कि मोनेस्ट्रीज बहुत बन रही थी सिल्क रोड के जरिए, तो वो बुद्धिज्म का स्प्रेड नहीं था, मोनेस्ट्रीज जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं उसको कहते हैं, इस तरह की मोनेस्ट्रीज होती हैं, ये रास्तों में बहुत बनी थी। इसकी सादाती वजह ये थी, एक किस्म का यू नो जैसे मस्जिद हमारी है या चर्च है क्रिश्चियन का, उस तरह ये मोनेस्ट्रीज होती हैं मॉन्क्स की, बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, ये बहुत सारी बन गई रास्तों में। ये किस तरह बनी, इनका सिंपल वजह ये थी कि जो ट्रेडर्स थे उनको रास्ते में रहने के लिए जगह चाहिए थी, सोने के लिए, खाना लेने के लिए एंड सो ऑन, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह मोनेस्ट्रीज थी, और वहां पे उनको यू नो मॉन्क्स मिलते थे, वो दुआएं देते थे और सो ऑन, तो उन्होंने बड़ा प्रमोट किया गया, आप मोनेस्ट्रीज बनाए हर जगह, और वो क्योंकि उनके लिए एक स्टेशन की तरह थे कि जहाँ पे जाके रेस्ट कर सकते थे, तो आपको एकदम स्प्रेड ऑफ मोनेस्ट्रीज नजर आने लग पड़ा पूरे रास्तों में। सिल्क रोड के काफी जगहों पे आपको मोनेस्ट्रीज बनती नजर आई, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए भी था कि बुद्धिज्म फैल रहा था, वो इसलिए भी था बिकॉज मर्चेंट्स, कोई बात है, पीपल विद वेल्थ वॉन्टेड टू इन्फ्लुएंस राइट, और उनको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने उसके जरिए मोनेस्ट्रीज बिल्ड करा ली, क्योंकि वो उनको स्टेशन चाहिए थे रहने के लिए। तो ये भी है, तो एक तो हमने बात कर ली कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ आम बंदे पे, और एक तो आइडियाज ट्रांसफर हुए, और आखिर में ये है कि एक बड़ा ही मेजर रोल जो था ना, जब दुनिया इंटरकनेक्ट होती है तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज फैलती है विच इज नॉर्मली इग्नोर्ड, बीमारियां, डिजीजेस। डिजीजेस जो है वो इतनी ज्यादा फैल जाती हैं थ्रू यू नो ट्रेड रूट या थ्रू एनी रूट, क्योंकि अब एक बंदा सपोज एग्जाम्पल की सादा सी ये है कि आप जो है वो रह रहे थे जापान राइट, यू आर लिविंग हियर,
अब जापान में रह रहे थे, जापान में एक बीमारी है, वो जापानीज जो है उन्होंने उसका ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है, वो इम्यून हो गए हैं, और उन्होंने उसका इलाज भी है, उनके दवाइयां भी हैं, और वो सपोज बीमारी चूहों से लगती है। तो अब क्या हुआ कि जापान से एक शिप निकली ट्रेडिंग के लिए सिल्क रोड पे जाने के लिए, उस शिप में वो दो चूहे घुस गए, चार चूहे घुस गए जो इन्फेक्टेड थे। अब जापानीज को तो कुछ नहीं असर होगा, वो इम्यून है, लेकिन जब ये शिप चाइना जाएगी, जब ये शिप इंडिया जाएगी, और इवेंचुअली ये शिप जापानीज उतर जाएंगे ना, तो ये शिप आगे उसका सामान जाता रहेगा, और वो चूहे उस सामान के अंदर क्रेट के अंदर है सपोज, तो डिफरेंट जगहों पे ट्रेवल करते जाएंगे, तो वो इन्फेक्शन फैलती जाएगी, और इस तरह क्या होगा कि बड़े स्केल पे बीमारी फैलने लग पड़ेगी, और एक बीमारी जो जापान में थी वो रोम तक पहुंच जाएगी, और अरेबिया में पहुंच जाएगी, रोम में पहुंच जाएगी, और बड़े बड़े यू नो पैंडेमिक्स जो होती है उस पुराने दौरों की, जैसे मीजल है, स्मॉल पॉक्स, इनका वाइड स्प्रेड जो यू नो असर हुआ है वो इसीलिए हुआ था कि वो फैली थी सिल्क रोड के जरिए, मीजल और स्मॉल पॉक्स पहले, और फिर बाद में जो बड़ी बीमारी इसको ब्लैक डेथ कहा जाता है, वो फिर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे, ब्लैक क्या था, अगर करनी पड़ी कि ब्लैक डेथ क्या बीमारी कौन सी थी, वो चूहों के जरिए अलबत्त फैलती थी, तो वो रैट्स के जरिए वो फैलती थी, तो वो भी इसी वजह से कि वो रैट्स जब ट्रैवल करते हैं रूट पे सामान के साथ, तो वो बीमारियां फैलाते हैं, और हर बंदा इम्यून नहीं होता बीमारियों के लिए, तो अब और इन बीमारियों की वजह से लाखों की तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में लोग नो दे वर डाइंग ऑफ दीज डिजीजेस, तो इसलिए ये भी सिल्क रोड का इम्पैक्ट, और मे बी ये बीमारियां उतना ना फैलती जैसे अगर ये सिल्क रोड ना होती। तो इन अदर वर्ड्स हमने 3 पॉइंट देखे कि सिल्क रोड ने रिच को भी अफेक्ट, आम बंदे को भी किया थ्रू इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसको जॉब दी थ्रू आइडियाज जो सिल्क रोड के थ्रू ट्रेड हुए, और थ्रू डिजीजेज जो सिल्क रोड की वजह से फैली। और सिल्क रोड की एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है जैसे आज की ग्लोबलाइजेशन की एग्जाम्पल, क्योंकि आज की ग्लोबलाइजेशन क्या है, और सिल्क रोड ने बेसिकली उस दौर की दुनिया को तो ग्लोबलाइज कर दिया ना, आज की ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो भी हमें बहुत सारे प्रोमिस दे रही है जैसे सिल्क रोड देती है देती थी कि आप अपनी चीजें ट्रेड करो, आप पैसे कमाओ, आप इंगेज करो डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कल्चर के साथ, जैसे आजकल हमारी ग्लोबलाइजेशन हमें सोशल मीडिया और इंटरनेट और हमारे यू नो हमारी जो टूरिज्म के थ्रू और इन चीजों के थ्रू हम कनेक्टेड हैं टू द वर्ल्ड, लेकिन इससे होता क्या है कि ये फायदे बहुत सारी हमारी कल्चर जो हैं वो अफेक्ट भी होते हैं, और अच्छे फायदे में भी रहते हैं, बहुत सारा फायदा होता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं डिफरेंट कल्चर की, लेकिन हमें नुकसान क्या होता है कि हमें उन्हीं लोगों से फिर हमें लड़ना पड़ जाता है, जब एक बम गिरता है तो कितने लाखों लोग मर जाते हैं, तो उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पॉलिटिशियन की वजह से लड़ाई होती है, उसमें हजारों लोग मर जाते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है ना, न्यूक्लियर बम एक जगह पे अमेरिका में बना था लेकिन अबाउट द वर्ल्ड वो लोगों के कंट्रीज के पास है, और वो कितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो उसी तरह सिल्क रोड भी थी कि उसके अच्छे इम्पैक्ट भी थे और बुरे इम्पैक्ट भी थे जिसने दुनिया को इम्पैक्ट किया, जैसे आज की ग्लोबलाइजेशन है जो अपने प्रॉमिसेस भी दे रही है अच्छी चीजों के, और जो स्केट्स भी प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट फॉर्म की।